Good morning, student. Welcome back in our art class. So today is the turn of your craft class. So today, on the occasion of Janmashtami, we will make a crown of Krishna and flute. तो क्राउन हम फ्लूट बनाएंगे. फ्लूट बनाने के लिए हमने रेड कलर का पेपर लिया है. आप पेस्टल शीट ले सकते हैं. तो पेस्टल शीट को हमने रोल करना है कुछ इस टाइप से. जितनी आपको फ्लूट चाहिए लेंथ आप उतनी रख लेंगे और कुछ इस टाइप से इसको रोल कर देंगे आप. और रोल करने के बाद यहाँ आप टेप या फेविकोल की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे. तो ये चेक करें, मैंने इसको ऐसे रोल था, रोल के ऊपर मैंने इसको फेविकोल की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया है. इसके बाद में आप सिल्वर टेप लेंगे और सिल्वर टेप के साथ में इसको इस तरीके से कुछ डेकोरेट कर देंगे. तो ये देखिए, मैंने इसको सिल्वर टेप के साथ डेकोरेट कर दिया है. यहाँ से सिल्वर टेप के साथ डेकोरेट करने के बाद मैंने ये यहाँ आपके सिल्वर पेपर है, सिल्वर पेपर की कुछ स्ट्रिप्स ली हैं और वो यहाँ पेस्ट कर दी हैं. और पेस्ट करने के बाद यहाँ जो है वो आप मार्कर के साथ 3 डॉट जो हैं वो लगा सकते हैं. तो ये देखिए, आपकी फ्लूट जो है वो तैयार है. और इसके साथ में हम अब क्राउन भी शुरू करने वाले हैं. तो आपको फ्लूट किसी भी कलर की आप ले सकते हैं. तो अच्छे से इसको डेकोरेट करना है. आप चाहें तो इसके ऊपर मिरर वगैरह या कोई और डेकोरेशन का मटेरियल है, स्टोन्स वगैरह, तो आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये देखें, मैंने येलो पेपर लिया है. आप ये भी पेस्टल शीट लेंगे. आप पेस्टल शीट के साथ में आपने एक क्राउन की शेप दे देनी है सबसे पहले. तो कोई और शेप भी आप दे सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो यही वाली शेप दें जो मैं आपको बता रही हूँ. ये देखें, कुछ इस टाइप से मैंने शेप दे दी है. और शेप देने के बाद मैंने इसको सीजर के साथ कट कर लेना है यहाँ से. तो एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि आपके बच्चे के हेड के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे, ताकि आपका ये आपके बच्चे के या स्टूडेंट के जो हेड है उसके ऊपर पूरी तरीके से आ जाए. तो ये देखें, आपका क्राउन जो है वो रेडी कर दिया है मैंने, कटिंग कर दिया है इसको. कटिंग करने के बाद आप इसके ऊपर सबसे पहले पेंसिल के साथ कोई आपको डिज़ाइन करना है तो आप पेंसिल के साथ उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. और डिज़ाइन करने के बाद आप उसको, अगर आप चाहें तो स्केच कलर से डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ग्लिटर के साथ उसको डिज़ाइन को उसके ऊपर ग्लिटर भी कर सकते हैं. आप फ्लावर्स ड्रॉ करें, या अगर ओरिजिनल स्टोन्स जो आते हैं अगर आपको वो स्टोन्स इसके ऊपर पेस्ट करना है तो यहाँ एज इट इज़ आप स्टोन्स भी पेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपको इसको पहले पेंसिल के साथ आप बनाएंगे, उसके बाद में आप स्केच कलर के साथ इसको डेकोरेट करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. हमने ग्रीन लीव जो उसके मोरपंख है उसके लिए हमने ग्रीन पेपर लिया है. ग्रीन पेपर की हमने लीफ ड्रॉ कर लेनी है सबसे पहले कुछ इस टाइप से, और इसको कट कर लेना है. तो ये देखें, मैंने इसको कट कर देना है कुछ इस टाइप से. और कट करने के बाद इसके, जैसा कि आपको मोरपंख के अंदर जो पता है, तो आप ऑरेंज कलर को कट करके इसको, मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे आपको कट करना है. बट आपको ऑरेंज कलर कट करना है. एक सर्कल आपका ऑरेंज का रहेगा, एक सर्कल जो है वो आपका ब्लू कलर का रहेगा, और एक सर्कल जो है वो आपका डार्क ब्लू कलर का रहेगा. तो इस तरीके से आपको ये करना है यहाँ से, और फिर उसके बाद में यहाँ से आपको इस तरीके से कट करना है. और कट करने के बाद इस तरीके से आपको एक बड़ा मोरपंख ड्रॉ करना है, और 2 जो है वो स्मॉल साइज़ के साथ आप ये जो मोरपंख है वो ड्रॉ करेंगे. तो टोटल आपके पास में 3 मोरपंख रहेंगे, और एक जो क्राउन मैंने आपको बताया वो आपको क्राउन ड्रॉ करना है. तो इस तरीके से आपको सारा डेकोरेट करना है टोटल कुल मिला के. तो वो जो मटेरियल जो आपको बताया था सर्कल, वो आपको यहाँ बीच में पेस्ट करने हैं. तो दिखाती हूँ मैं आपको कि किस टाइप का लगेगा आपका ये. तो ये देखें, मैंने इसको ये ग्लिटर ट्यूब जो है, आपकी ग्लिटर ट्यूब, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत तरह की आपकी ग्लिटर ट्यूब आती हैं, आप ग्लिटर ट्यूब के साथ ये जैसे इस तरीके से मैंने जो डिज़ाइन किया आप डिज़ाइन कर सकते हैं. और इसके बाद में ये देखें, मैंने स्टोन्स यूज़ किए हैं इसके ऊपर कुछ, तो आप स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो मोरपंख जो फैदर्स बनेंगे वो आपके कुछ इस टाइप के बनेंगे. ये आपको डेमो दिया ही था आपको, तो ये ऑरेंज कलर की और ये ब्लू कलर की. ये इस तरीके से आप सर्कल काट के यहाँ लगा सकते हैं, और पीछे की तरफ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है. तो स्टूडेंट ये देखिए, मैंने इसको स्ट्रिप्स भी लगा दी है दोनों तरफ. तो
आप स्ट्रिप्स लगाएंगे और आपका जो कंप्लीट है तैयार वो कुछ इस टाइप का लगेगा। तो आपको पिक्स भेजनी है इसकी मेरे पास में, यहाँ चेक करना है आपने इसको। और फ्लूट जो है, फ्लूट भी आपको रखनी है साथ में। फ्लूट के इस तरीके से आप फोटो क्लिक करके मेरे पास में सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे न्यू एक्टिविटी।